हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों, नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग क्या डिले होने वाली है 1 महीने के लिए? तो दोस्तों, कल जैसे ही ये न्यूज आई थी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने और जो कोर्ट उन्होंने बोला है कि अब जो है 4 वीक तक इंतजार और करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीजी फ्रेंड्स, अगर आप MBBS, BDS, BAMS लो बजट और लो मार्क्स में करना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके लिए। इस पर आप कॉल करके अपने क्वेश्चंस MBBS एडमिशन रिलेटेड पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी दी जाएगी दोस्तों। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर दे, टीम आपको अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेगी। साथ में दोस्तों, यहाँ पर MBBS एब्रोड जो जिसकी वैल्यू दोस्तों अभी इंडिया में की गई MBBS के इक्वल ही है, ये बात आपको पता ही है। दोस्तों, आप MBBS एब्रोड भी कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लें या गूगल फॉर्म को फिल कर दें। तो दोस्तों, BDS करनी है आपको, BAMS करनी है, आपके मार्क्स कम है, लो बजट है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज चुने, क्या चुने दोस्तों, तो सब कुछ आपको इस नंबर पर जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर पर कॉल करके आप पता कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। काउंसलिंग नीट पीजी की वो तो लेट होगी दोस्तों 1 महीने के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो नीट यूजी की काउंसलिंग है उसके अंदर एक क्वेश्चन को लेकर, हिंदी अनुवाद को लेकर के जो क्वेश्चन उठ रहा है, उसका फैसला जो है दोस्तों वो 30 नवंबर को आने वाला है। वो 30 नवंबर को जो है दोस्तों उसकी फाइनल सुनवाई होने वाली है। तो नीट यूजी काउंसलिंग जो है दोस्तों वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि काफी ऑलरेडी जो है ये सुपर डिले हो चुका है। तो अब जो है ज्यादा डिले नहीं होगा दोस्तों। जैसे ही फैसला आएगा उसके जस्ट बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फर्स्ट वीक के अंदर जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो वो मिड जैन तक आपकी चल सकती है और फिर से आपका जो है नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों, नीट 2022 की जो एग्जाम डेट है वो भी बोला जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो जून और जुलाई में लिया जा सकता है, क्योंकि मई में आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं CBSE के। और दोस्तों, आपकी नीट पीजी काउंसलिंग 1 महीने लेट होएगी, उसमें कोई भी अब शक नहीं है, क्योंकि जो EWS का 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया है वो कैसे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन माना जा रहा है उनको, तो इस बारे में उनको जो है स्पष्टीकरण देना है दोस्तों। उसके बाद नीट पीजी काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।